हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 ऑफ चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था क्वेश्चन नंबर 36, दैट वाज रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। और आज भी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज आल्सो रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 39। जर्नलाइज द फॉलोइंग, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। नंबर वन, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ए लिमिटेड ने क्या किया, 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया। कितनी है फेस वैल्यू, ₹10, ₹8 पेड, बट जो पेड अप कैपिटल है वो कितनी है, ₹8। क्यों फॉरफिट किए कंपनी ने, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। फाइनल कॉल मनी पे नहीं की थी शेयर होल्डर ने, कितनी, ₹2 पर शेयर। आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर री इशूड, जो कंपनी ने 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे उसमें से 400 शेयर्स कंपनी ने क्या कर दिया, री इशू एज फुल्ली पेड अप। कैसे री इशू किए, फुल्ली पेड अप इन सच अ वे दैट ₹2000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे इशू किए, कि हमने जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर किया वो ₹2000 किया। कितना किया, ₹2000। हम कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, जो अमाउंट हमारा क्या होता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बच जाता है। हमने यहाँ कितने शेयर्स रीइशू किए, 400। तो जो 400 शेयर्स के रिगार्डिंग हमने जो अमाउंट फॉरफीट की थी शेयर होल्डर से, जो कि शेयर होल्डर ने पे कर दी थी, हमने उसको क्या कर दिया था, शेयर फॉरफीचर में डाल दिया था। और अगर हमें रीइशू के टाइम पर कोई लॉस होता है तो हम उसको कहाँ से कवर कर लेते हैं, फॉरफीचर में से। और जो बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो हमें क्या गिवन है पार्ट वन में हमें गिवन है कि जो हमने कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर किया वो कितना किया, ₹2000। ये जो 2000 है वो कितने शेयर्स के रिगार्डिंग है, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग है, 400 शेयर्स। जब कंपनी ने फॉरफीट किए थे तो कितने किए थे, पर शेयर पेड अप कैपिटल कितनी थी, पर शेयर पेड अप कैपिटल कितनी थी, ₹8 पर शेयर। तो मतलब हमने जो फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट डाला था वो कितना डाला था, 400 शेयर्स पर ₹8 ईच, तो कितनी डाली थी, ₹3200। अब हमने कैपिटलिज्म में कितना ट्रांसफर किया, 2000। तो जो अमाउंट बच गई, जो बैलेंस अमाउंट है कितनी है, ₹3200 माइनस ₹2000, कितनी है, ₹1200। इसका मतलब हमने इसको क्या कर लिया, यूटिलाइज। यूटिलाइज कब करते हैं, जब हमें एट द टाइम ऑफ री इशू क्या होता है, लॉस। तो मतलब जब हमने 400 शेयर्स को री इशू किया था तो कंपनी को लॉस हो गया था, कितना हुआ, 1200। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 400। तो पर शेयर लॉस कितना हुआ, मतलब कंपनी ने पर शेयर डिस्काउंट कितना दिया, 1200 दिया 400 पर, तो पर शेयर कितना हो गया, ₹3। पर शेयर कितना हो गया, ₹3। तो मतलब कंपनी ने जो शेयर री इशू किए वो कैसे किए, 10 - 3 = 7 पे कंपनी को कितने मिले, ₹7 ईच। तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कैसे करेंगे, जब कंपनी ने क्या किया, फॉरफीट किया, तो कैसे एंट्री पास करेंगे, क्यों फॉरफीट की, क्योंकि शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल मनी पे नहीं की थी। तो जब करेंगे तो क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, क्यों फॉरफिट किए, बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, तो क्रेडिट क्या करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और क्या करेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जो जो अमाउंट रिसीव हो गया था उसको कंपनी कहाँ ट्रांसफर कर देगी, फॉरफीचर अकाउंट में। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीट किए तो कितने थे, 1000 शेयर्स, पर शेयर फेस वैल्यू कितनी थी, ₹10। तो मतलब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट डेबिट करेंगे, 10000। फाइनल कॉल मनी कितने की थी, ₹2 ईच, तो 1000 शेयर इंटू 2 कितनी हो गई, ₹2000। और फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा, जितने की क्या है, पेड अप कैपिटल, पेड अप वैल्यू कितनी है, ₹8, तो कितनी गई, ₹8000। तो फॉरफीचर के टाइम पर हमने क्या एंट्री पास की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया, री इशू किए कितने, 400 शेयर्स। तो एट द टाइम ऑफ री इशू कंपनी क्या करेगी,
जब रीशू करेगी तो कंपनी के पास क्या आएगा? पैसा। कहाँ पर? बैंक अकाउंट में। कितना आया? 400 शेयर्स पर। कितनी है अभी हमने यहाँ कैलकुलेट की? कितनी है? 7 रुपीज़। तो कितना अमाउंट आएगा? 2800 रुपीज़। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी? 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से क्रेडिट होगा? 400। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़। फुल्ली पेड अप गिवन है तो शेयर कैपिटल अमाउंट कितने से क्रेडिट होगी? 10 रुपीज़ ईच। तो कितनी हो गई? 4000 रुपीज़। और बाकी क्या हो गया था कंपनी को? लॉस हो गया था एट द टाइम ऑफ री इशू। उसको कहाँ से कवर कर लेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। कहाँ से कर लेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। यहाँ फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। अब वहां से कवर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना? 400 × 3 कितना हो गया? 1200 रुपीज। तो बाकी अमाउंट हमने क्या कर दिया? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी। तो कितने ट्रांसफर करी कैपिटल रिजर्व में? जितनी हमारे पास बच गई थी। कितनी बची? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। वैसे तो हमारे पास यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर में बैलेंस कितना है? 8000 रुपीज। बट ये जो 8000 है वो कितने शेयर्स के रिगार्डिंग है? 1000 के। हमने कितने री इशू किया है? 400। तो 400 शेयर्स के रिगार्डिंग फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट है? 3200। कितना है? 3200। 400 × 8 पर शेयर हमने कितना फॉरफिट किया था? 8 रुपीज। रीशू के टाइम पर लॉस कितना हुआ? 1200 रुपीज। तो हमने फॉर फ्यूचर अकाउंट में हमारा कितना बैलेंस बच गया? 2000 रुपीज। तो हमने इसको क्या कर दिया? क्वेश्चन में गिवन भी है, हमने कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया? 2000 रुपीज। तो ये क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए। हमने क्या किया? हमें कैपिटल रिजर्व में अमाउंट गिवन दी कि हमने कितने ट्रांसफर की। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था कि हमने डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू कितना दिया 400 शेयर्स पर। तो हमने पहले डिस्काउंट की अमाउंट कैलकुलेट की और उसके बाद हमने क्या किया? जर्नल एंट्रीज पास की। नाउ पार्ट टू बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बी लिमिटेड ने कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 1000 शेयर्स। फेस वैल्यू ₹10 ईच। ₹8 कॉल्ड अप। कितनी कॉल अप बनी? कितनी है? 8 रुपीज। मतलब 8 रुपीज की कॉल्स मेक की है, 2 रुपीज अभी तक कॉल नहीं किए। क्यों फॉरफिट किया कंपनी ने शेयर्स? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹2.50 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। क्यों फॉरफिट किए? क्योंकि शेयर होल्डर ने ना तो अलॉटमेंट मनी पे की थी और ना ही फर्स्ट कॉल मनी पे की थी, ना ही फर्स्ट कॉल मनी पे की थी। आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर री इशूड ₹4.07 पर शेयर। तो ये जो 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे कंपनी ने, उसमें से उन्होंने क्या किया? 400 शेयर्स को री इशू कर दिया। कितने में किया? एट ₹7 पर शेयर एज ₹8 पेड अप। री इशू कितने में किया? ₹7 में। पेड अप कैपिटल कितनी है? ₹8। कंपनी ने कितने का डिस्काउंट दिया? ₹1 पर शेयर। तो हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? कि बी लिमिटेड ने क्या किया? 1000 शेयर्स फॉरफिट किए। कितने किए? 1000 शेयर्स। फेस वैल्यू कितनी है? ₹10 पर शेयर। और कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? कॉल्ड अप ₹8 पर शेयर। और ये जो ₹8 कॉल किए थे, इसमें से शेयर होल्डर ने क्या क्या पे नहीं किया? अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी। तो इट मीन्स की एप्लीकेशन मनी क्या कर दी? पे कर दी। इट मीन्स की हमें शेयर होल्डर से क्या रिसीव हुआ? ओनली एप्लीकेशन मनी। 8 रुपीज कॉल्ड अप है। अलॉटमेंट मनी कितनी गिवन है? 2.50। फर्स्ट कॉल मनी कितनी गिवन है? 3 रुपीज। तो एप्लीकेशन मनी कितनी हो गई? 8 − 3 − 2.50। कितनी हो गई एप्लीकेशन मनी? 2.50 पर शेयर। तो शेयर होल्डर ने कितने पे किए थे शेयर्स पर? 2.50 पर शेयर। तो कंपनी को कितना गेन हुआ एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर? 2.50 पर शेयर। तो जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। क्या किया हमने? शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। कितने से किया? कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 1000। बट अब हमने यहाँ पर मंगवाए कितने थे शेयर होल्डर से? 8 रुपीज। 10 रुपीज नहीं मंगवाए। तो हम यहाँ डेबिट कितने करेंगे? 8, क्योंकि हमने कॉल अप कितने किए? 8 रुपीज। तो मतलब हमने क्रेडिट कितने किए होंगे? 8। तो हमने डेबिट कितना किया? 8000 रुपीज। और क्रेडिट क्या करेंगे? क्या क्या पे नहीं किया शेयर होल्डर ने? अलॉटमेंट मनी।
कितनी 1000 शेयर्स एट 2.50 ईच, और फर्स्ट कॉल मनी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1000 शेयर्स एट रुपीज 3 ईच, सो 2500 एट 3000। फॉरफीट कितने की है कंपनी ने? टू शेयर फॉरफीचर। क्या रिसीव हुआ था हमें शेयर होल्डर से? 2.50 ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो कितने फॉरफीट किए हमने फॉरफीचर अकाउंट में? कितने ट्रांसफर कर दिए? 2500। तो हमारी डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। ये हमने एंट्री कब पास की? जब हमने क्या किया? शेयर्स फॉरफीट किए एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? शेयर्स को री इशू करेंगे। क्या करेंगे? री इशू। कितने की है कंपनी ने? 400 शेयर्स। तो जब 400 शेयर्स को री इशू करेंगे तो क्या सबसे पहले क्या होगा? बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। क्या होगा? बैंक में पैसा आएगा। कितना आया? 400 शेयर्स पर। कितने पर किए री इशू? एट 7 रुपीज पर शेयर। तो कितना आया बैंक में पैसा? 2800। क्रेडिट क्या किया? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से करेंगे? क्या गिवन है कि हमने री इशू किया है एट ₹7 पर शेयर एज ₹8 पेड अप। तो मतलब ₹2 अभी हमें शेयर होल्डर से और मिलेंगे। तो शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट करेंगे? ₹8 से। कितने से करेंगे? ₹8 से। तो जो बच गया, क्या बचा? 1 रुपी। ये क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया शेयर होल्डर को एट द टाइम ऑफ री इशू? 1 रुपी का। तो डिस्काउंट को, इस लॉस को हम कहाँ से कवर करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। क्या करेंगे इसको? डेबिट। तो क्या करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। कितना? 400 × 1, 400 रुपीज। 2800 हमारे पास बैंक में आ गए। 400 का हमें लॉस हो गया और 3200 की हमने शेयर कैपिटल इशू कर दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? री इशू के बाद हम क्या करते हैं? जो अमाउंट हमारा बच जाता है शेयर फॉर फ्यूचर में, हम क्या करेंगे? उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। इन कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में? सिर्फ उन्हीं शेयर्स के रिगार्डिंग जो हमने री इशू किए हैं। कंपनी ने फॉरफिट कितने किए थे? 1000, बट री इशू कितने किए? 400। तो जो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट जाएगा वो इन वाले शेयर्स के रिगार्डिंग जाएगा, सारे शेयर्स के रिगार्डिंग नहीं जाएगा। कितना अमाउंट जाएगा कंपनी का शेयर फॉर फ्यूचर में? कितना बैलेंस पड़ा है? 2500। बट ये जो 2500 है, दिस इज रिलेटेड टू 1000 शेयर्स। 400 शेयर्स के रिगार्डिंग कितना अमाउंट पड़ा है शेयर फॉर फ्यूचर में? 400 शेयर्स इंटू 2.50। कितना है अमाउंट? 1000 रुपीज। इसमें से हमने 400 क्या किया? यूटिलाइज कर लिया। तो कितना बच गया? 600। इस 600 को हम कहाँ कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। या फिर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस अमाउंट को? जो ये अमाउंट है 2500, दिस इज रिगार्डिंग 1000 शेयर्स। तो 400 शेयर्स के रिगार्डिंग कितनी होगी मल्टीप्लाई बाय 400? तो अमाउंट कितना हुआ? 1000 रुपीज। तो इस 1000 में से हमने 400 यूज कर लिए। जो बच गए 600, उसको हम क्या करेंगे? ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या एंट्री पास होगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितना हुआ? 600 रुपीज। नाउ पार्ट थ्री, क्वेश्चन 39, पार्ट थ्री। सही लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 300 ऑफ ₹10 ईच। ऑन विच 7 हैज बीन कॉल्ड। कितने कॉल किए? 7 रुपीज। 3 रुपीज की अभी तक कॉल्स मेक नहीं की। एंड 5 हैज बीन पेड। जो 7 की कॉल की थी कंपनी ने, उसमें से शेयर होल्डर ने 5 रुपीज पे कर दिए। आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड। हमने क्या किया? 300 शेयर्स में से 100 शेयर्स को री इशू कर दिया। कितने में? 6 रुपीज में, एज ₹7 पेड अप। पेड अप कितना है? 7 रुपीज। री इशू कितने में किया? 6 रुपीज। तो कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया? 1 रुपी। कितने का लॉस हो गया कंपनी को? 1 रुपी पर शेयर। तो हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कितने से कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 300 शेयर्स। कॉल अप कैपिटल कितनी है? कॉल्ड अप 7 रुपीज। बट
पे कितने की है? पेड अप कितने हैं? 5 रुपीज। तो मतलब जो 2 रुपीज है वो अभी तक अनपेड है। कितने हैं अनपेड? 2 रुपीज। तो जो 2 रुपीज अनपेड है दैट इज रिगार्डिंग टू कॉल्स। किस चीज के रिगार्डिंग है वो? कॉल्स के रिगार्डिंग। तो क्या करेंगे जब हम शेयर्स को फोरफीट करेंगे? क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट। क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना होगा? 300 शेयर्स। कॉल अप कितने हैं? 7 रुपीज। यहाँ भी 10 रुपीज को डेबिट नहीं करेंगे, कितने करेंगे? 7 रुपीज, क्योंकि कंपनी ने अभी तक 7 रुपीज की कॉल बैक की है, 10 रुपीज की नहीं की। तो कितना डेबिट हो गया? 2100। क्रेडिट क्या करेंगे? कॉल्स पेड कितनी है? 5 रुपीज। तो मतलब ये क्या है, कंपनी को फायदा हो गया। तो इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फॉरफीचर में। जो अनपेड अमाउंट है उसको क्या करेंगे? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितनी हो गई? 300 शेयर्स एट रुपीज 2 ईच। फॉरफीचर में कितना जाएगा? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट जितना की पेड अप है। कितना है पेड अप? 5 रुपीज। तो हमारा 600 गया फर्स्ट कॉल में और 1500 कहाँ गया? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? री इशू। शेयर को री इशू किया। कितने किए? ओनली 100 शेयर्स। हमने यहाँ पर 300 शेयर्स को री इशू नहीं किया। कितने किए? 100 शेयर्स। कैसे किए? एट रुपीज 6 पर शेयर, 7 पेड अप। तो पेड अप 7 है, तो मतलब शेयर कैपिटल हमने कितने की इशू कर दी? 2 शेयर कैपिटल। 7 पेड अप है तो हमने शेयर कैपिटल कितने की इशू कर दी? 100 शेयर्स को 7 रुपीज में। 3 रुपीज अभी हमने शेयर होल्डर से लेने हैं, तो जब हम उससे कॉल बैक करेंगे तब हम उसको क्रेडिट करेंगे। अभी हमने यहाँ कितना करना है? 100 × 7। बैंक में कितना पैसा आएगा? 100 × 6। कितने पर किया था कंपनी ने री इशू? 600, 6 रुपीज पर शेयर। शेयर कैपिटल में कितना गया? 7 रुपीज। जो बच गया 1 रुपी, वो क्या है? लॉस। कहाँ से कवर करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। कहाँ से कवर किया? शेयर फॉर फ्यूचर। कितना? 1 रुपी पर शेयर। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना गया? 100 रुपीज। तो हमारी एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट 600, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 100 एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 700। अब इन द लास्ट हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। कितनी करेंगे? ये जो 1500 है ये कितने शेयर्स के रिगार्डिंग है? 300। हमने कितने शेयर्स री इशू किए? 100। तो 100 शेयर्स के रिगार्डिंग, तो 100 शेयर्स पर हमने कितने अमाउंट फॉरफिट की? 100 × 5 कितनी? 500 रुपीज। 500 में से हमने 100 रुपीज यूज कर लिए, तो कितने बच गए? 400 रुपीज। तो 400 रुपीज को हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितना होगा यहाँ पर? 400 रुपीज। कितना होगा हमारा यहाँ पर अमाउंट? 400 रुपीज। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने अलग अलग कंपनी के केसेस सॉल्व किए, जिसमें क्या था, शेयर्स को फोरफीट किया था, लेकिन जितने शेयर्स फोरफीट किए थे उसमें से कुछ शेयर्स को री इशू कर दिया। तो जितने शेयर्स को री इशू किया उसके रिगार्डिंग जो हमारा शेयर फोरफीचर में अमाउंट अनयूटिलाइज रह गया था, उसको हमने क्या कर दिया? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि हमने क्या फोर फीचर भी कवर हो गया, हमारा यहाँ पर री इशू भी कवर हो गया, हमने यहाँ पर री इशू एंड डिस्काउंट की एंट्रीज भी कवर कर ली। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज डू कॉमेंट्स। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।